हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो जिन्होंने बीएचयू की एग्ज़ाम दी थी 22 सितंबर 2019 को स्टाफ नर्स की, उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। उनके लिए एक अपडेट है जो बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। इनके लिए अंतिम मौका है जिन्होंने ये एग्ज़ाम दी थी, तो देखते हैं क्या है। वो दिशा निर्देश दिए गए हैं, अगर आप लास्ट डेट निकाली है बीएचयू ने कि आप लास्ट ये इस डेट तक आप कोई भी क्वेश्चंस या आंसर आपको रॉन्ग लगा हो या कोई भी मल्टीपल आंसर उसका आ रहा हो तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो बता रहा हूँ कि कितनी उसकी लास्ट डेट है और क्या क्या दिशा निर्देश रहेंगे, आप कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और किस किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपका ऑब्जेक्शन माना जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, देखते हैं इस वीडियो में आए। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है आपको अपनी आपत्तियों को कहने से पहले कृपया निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निर्देश यही है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अपने प्रश्न पत्र को देखने के लिए प्रश्न पत्र पर टेप किया जाए, जहाँ से भी आप खोलो जाओगे कि प्रश्न पत्र पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा कि आप कहाँ से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप इसको ओपन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड है इसमें अपनी आपत्तियों को बताने के लिए आपत्तियां टैब के बटन पर क्लिक करना है, यानी ऑब्जेक्शन टैब पर क्लिक करना है। और जब अपनी आपत्तियों को बताने से पहले प्रश्न उत्तरों को ध्यान से पढ़ लें, यानी आपत्ति बताने से पहले प्रश्न उत्तर को ध्यान से पढ़ लें, कहीं आप तो गलत नहीं है। नेक्स्ट बात कह रहा है, ये आपकी आपत्ति केवल अंग्रेजी भाषा में ही दर्ज की जानी चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्शन मस्ट बी एंटर्ड ओनली इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश भाषा में ऑब्जेक्शन मान्य होगा। अगर उसी को मूल्यांकन किया जाएगा अगर ऑब्जेक्शन आपने इंग्लिश भाषा में डाला है। अगर हिंदी भाषा में ऑब्जेक्शन डाला है तो या कोई अदर लैंग्वेज आप यूज करते हो तो दैट इज़ आर रिजेक्टेड। नेक्स्ट बात है, केवल प्रश्नों और उनके संबंधित विकल्पों के लिए आपत्तियों को प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि प्रश्न और उनके संबंधित विकल्प के लिए ही आपत्ति की जा सकती है, यानी कि और किसी चीज़ के लिए ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन क्यों दिया, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। नेक्स्ट है कि एक बार सबमिट कर दी गई आपत्तियों को बाद में बदला नहीं जा सकता, यानी कि कोई भी आपका ऑब्जेक्शन मॉडिफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न पत्र व्यू में विकल्प के आगे हरे रंग का सही का निशान लगाकर सही उत्तर चिन्हित किया जाता है, यानी कि आपको जो आंसर की दी गई है उसमें हरे चिन्ह लगाकर आपको दिखाया जा रहा है वो इसका सही आंसर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है अपनी पर्सन आईडी, जिसे सभी संदर्भों के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्सन के दाएं उल्लेखित होती है। अगर आपको क्वेश्चन आईडी लेनी है ऑब्जेक्शन करने के लिए तो क्वेश्चन के आगे आपको दाएं और वो मिल जाएगी उसकी आईडी। और नेक्स्ट बात कह रहा है कि पर्सन की स्थिति, चाहे आपको इसका उत्तर दिया हो या नहीं हो, भी पर्सन के दाएं उल्लेखित होती है। पर्सन की भी जो आईडी होती है वो उसके दाएं और यानी कि जो स्थिति है उस क्वेश्चन का स्टेटस है वो आपके दाएं और उसमें मेंशन किया हुआ होगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये कह रहा है कि परीक्षा के दौरान आपके द्वारा चयनित विकल्प प्रश्न में दाएं दिखाया जाता है, यानी कि आपने जो भी कोई ऑप्शन चूज किया है एग्जाम के दौरान तो वो राइट में शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसमें कि टिप्पणी कॉलम में अपनी आपत्ति के कारण को स्पष्टता से लिखें, यानी कि आप कोई भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उसको जो कोई रिमार्क कॉलम है उसको रिमार्क कॉलम में वेरी बिल्कुल क्लियरली लिखना है, जो भी ऑब्जेक्शन लिखना है यानी कि जो भी रिमार्क लिखना है वो बिल्कुल क्लियरली लिखना है। अगर आपने टिप्पणियां संदर्भ अपनी आपत्तियों पर ध्यान, यानी कि बिना किसी टिप्पणियां संदर्भ वाली आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये कह रहा है कि अगर आपने कोई भी रिमार्क कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा या उसका रीजन नहीं दिया ऑब्जेक्शन का तो आपका वो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन अस्वीकार माना जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके ऑब्जेक्शन को। नेक्स्ट बात कह रहा है, ये आपत्ति सबमिट करने से पहले उम्मीदवार को समर्थन दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है, यानी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के प्रति ऑब्जेक्शन या आंसर के प्रति ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या मल्टीपल आंसर आ रहे हैं उस क्वेश्चन के, तो आपको उससे रिलेटेड यानी आप सही हो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा या बुक की फ़ोटो अपलोड करनी होगी, ठीक है, कि आपको अपने उस चीज़ को सही साबित करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज वहाँ पे अपलोड करने होंगे, वो भी बता दिए जाएंगे कैसे कहाँ पे अपलोड होंगे। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, अधिकतम आकार का समर्थन दस्तावेज PDF JPG JPEG प्रारूप में होना चाहिए, 400 KB का होना चाहिए।
मैक्सिमम साइज 400 के बी है, मिनिमम कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम 400 के बी तक ही वो दस्तावेज हो सकता है। और मैक्सिमम 5 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोडेड फॉर ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ 5 सपोर्ट डॉक्यूमेंट यानी 5 दस्तावेज ही अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नोट दिया गया, आंसर आर बेस्ड ऑन प्रोविजनल आंसर की, आंसर में चेंज इन आंसर की फाइनलाइज आफ्टर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन विल बी डन ऑन फाइनल आंसर की। ये कह रहा है कि जो आपकी फाइनल आंसर की होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको ऐसे अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जब आप अपनी आईडी, एप्लीकेशन नंबर और उससे डेट ऑफ बर्थ से आप खोल लोगे, तो उसके बाद में ऐसे लिंक जाना कि ऑब्जेक्शन वाले लिंक पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर के बाद में आपको यहाँ पे 22/9/2000 ये एग्जाम डेट होगी, शिफ्ट अपने आप डालिए। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आईडी डालनी है, यहाँ पे नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का नेचर का मतलब है कि ये आंसर गलत है या इसके दो आंसर आ रहे हैं या इसका आंसर था ही नहीं है, तो ऐसा एक नेचर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपलोड करना है कि वो जस्टिफाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की, ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। थैंक यू दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिल सके नर्सिंग न्यूज़ और नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।